हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्लभ ज्ञान वर्षा इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसको एकदम आसानी से समझिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का आपका हायर एजुकेशन में भी बहुत एप्लीकेशन आते हैं, ठीक है। जैसे आप 10th बाद फर्दर कोई भी हायर एजुकेशन करोगे तो वहां पर भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को हम एकदम बेसिक से और एकदम आसान शब्दों में समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और इसका यूजेस हम किस किस तरीके से आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बना कैसे, ट्रिग्नोमेट्री आपका बना कैसे। तो ट्रिग्नोमेट्री दो चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री दो चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। पहला है आपका ट्रायंगल, जिसे कहते हैं त्रिभुज। दूसरा है आपका ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं ज्यामिति, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं आप, ज्यामिति, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रायंगल क्या चीज होती है। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रायंगल क्या चीज होती है। तो ट्रायंगल वह आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी होती है उसे क्या कहते हैं, ट्रायंगल। जैसे सिंपल भाषा में आप लोगों ने क्या पढ़ा, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं या फिर ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल भी बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे आपने सुना होगा विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, ठीक है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं विषम बाहु को कहते हैं स्केलन ट्रायंगल, समद्विबाहु को कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल और समकोण त्रिभुज को कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन तीनों ट्रायंगल में से कौन से ट्रायंगल का यूज हम ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति में करेंगे, ठीक है। तो इन तीनों ट्रायंगल में से हम यूज करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल जिसे हम हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज को इस तरीके से डिनोट करा जाता है, तो मैं त्रिभुज बार बार नहीं लिखूंगा, इस तरीके से मैं सिंबल बना के आपको बताऊंगा। अब आपको यह पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल की क्या क्या खासियत होती है, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल की क्या क्या खासियत होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से दिखता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से दिखता है, जैसा कि इसका पहली विशेषता क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये एक एंगल है, दैट इज ए 90 डिग्री। ये एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री, इसे राइट एंगल कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, समकोण, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वह ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा वो क्या कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें कितनी साइड दिख रही है आपको, तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, ट्रायंगल है तो तीन साइड ही होगी, ट्रायंगल है तो कितनी साइड होगी, तीन साइड होगी, ठीक है। तो इन तीनों साइडों को कुछ ना कुछ नाम दिया गया है, इन तीनों साइडों को कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। इन तीनों साइडों को क्या क्या नाम दिया गया है, सबसे पहले वाले को बोला गया है परपेंडिकुलर, इसे हिंदी में कहते लंब, क्या कहते हैं इसको, लंब, ठीक है। दूसरा होता है आपका बेस, दूसरा होता है आपका बेस, जिसे हिंदी में कहते हैं आप आधार, क्या कहते हो आप, आधार। और तीसरा होता है आपका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस जिसे आप कहते हैं कर्ण, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, कर्ण, ठीक है। तो इन तीनों साइडों को कुछ ना कुछ नाम दिया गया है, एक का नाम है परपेंडिकुलर, दूसरे का नाम है बेस, तीसरे का नाम है हाइपोटेनियस, मतलब लंब, आधार और कर्ण। अब सर इन तीनों में से परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा और हाइपोटेनियस कौन सा होगा, ठीक है। तो इसको सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं, वही चीज आपके दिमाग में हमेशा याद रखना, तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो 90 डिग्री दिख रहा है, इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, इस 90 के सामने वाली भुजा को कहते हैं हाइपोटेनियस, क्या कहते हैं इसको, हाइपोटेनियस या फिर कर्ण, हिंदी में क्या कहोगे इसको, कर्ण। एक चीज क्लियर हो गई, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहोगे, हमेशा हाइपोटेनियस, ठीक है। और एक चीज याद रखना, हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है, हाइपोटेनियस इस ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे
भुजा, सबसे बड़ी भुजा, ठीक है, कौन सी होती है? सबसे बड़ी भुजा मतलब सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सा होता है? हाइपोटेनियस। इतना पॉइंट क्लियर हो गया, तीनों साइड में से आपने एक साइड डिसाइड कर लिया हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कहाँ होगा? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहोगे आप? हाइपोटेनियस या फिर कर्ण। और कर्ण ही इस त्रिभुज की सबसे बड़ी क्या होती है? भुजा होती है। कर्ण ही इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। यहां पर अब आपका क्या क्या बचा? अब आपका बचा परपेंडिकुलर और एक बेस, परपेंडिकुलर और एक बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस आपका थीटा पे डिपेंड करता है, कोण पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ रहा है? थीटा या कोण पे डिपेंड करता है। कैसे समझो? जैसे कि यदि आपका कोण यहां पर है, यहां पर यदि थीटा एंगल लेके रखा है, ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी? लंब। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब, जिसे कहते हैं परपेंडिकुलर। बात समझ में आया? लंब को कैसे डिसाइड करोगे? जैसे कर्ण को कैसे डिसाइड करा था आपने? 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। सेम इसी तरीके से यदि थीटा यहां पर है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब या फिर परपेंडिकुलर। यदि आपका थीटा यहां पर है, समझ लो 2 मिनट के लिए, यदि आपका थीटा यदि यहां पर होगा तो आपका लंब कहां पर होगा? आपका लंब यहां पर होगा, ठीक है। यदि आपका थीटा यहां नहीं देके यहां पर देके रख दिया, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो उस केस में आपका लंब कहां पर होगा? यहां पर होगा, यहीं पर क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर। यहां तक क्लियर हो गया? 90 के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस और थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब दो चीजें हो गई, एक हो गया आपका हाइपोटेनियस, एक हो गया परपेंडिकुलर। तो जो रिमेनिंग लास्ट साइड बचेगी वो आपका क्या होगा? बेस या फिर आधार। वो क्या होगा आपका? बेस या फिर आधार। यहां तक क्लियर हो गया? बेस या फिर आधार, ठीक है। तो ये होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपने क्या जाना? कि वह ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है और जिसकी तीन साइड होती है, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, एक होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कहां पर होता है? 90 के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कहां पर होता है? थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। तो जो साइड बचा वही क्या है आपका? आधार, ठीक है। तो इतना आप नोट डाउन करिए, इसके बाद हम देखते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे हेडिंग डालिए आप टिग्नोमेट्री रेशो, ठीक है, टिग्नोमेट्री रेशो, ठीक है। तो देखो टिग्नोमेट्री रेशो क्या होता है? टिग्नोमेट्री की फैमिली में 6 मेंबर होते हैं। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं कि टिग्नोमेट्री की फैमिली में, त्रिकोणमिति के परिवार में 6 मेंबर होते हैं। कौन कौन से मेंबर होते हैं? एक होता है आपका साइन थीटा, एक होता है आपका कॉस थीटा, एक होता है आपका टेन थीटा, फिर होता है आपका कॉसेक थीटा, दैट इज ए सेक थीटा, और एक होता है आपका कॉट थीटा, ठीक है। जैसे आपके फैमिली में भी 3-4 मेंबर होंगे, आपके पापा, मम्मी, आप, आपके भाई, आपके बहन। सेम इसी तरीके से टिग्नोमेट्री के परिवार में भी कितने मेंबर होते? 6 मेंबर होते, ठीक है। पहला मेंबर कौन है? साइन थीटा। दूसरा मेंबर कौन है? कॉस थीटा। तीसरा मेंबर कौन है? टेन थीटा। चौथा कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यहां तक है, क्लियर हुआ कुछ? ठीक है। उसके बाद ये जो साइन थीटा और ये जो कॉसेक थीटा, इसको मैं इधर लिख देता हूं आपको, तीनों को समझने के लिए आसानी होगी। ये कॉसेक थीटा, साइन थीटा का जुड़वा भाई होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का जुड़वा भाई कौन होता है? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का जुड़वा भाई होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का जुड़वा भाई होता है कॉट थीटा, ठीक है। जुड़वा भाई मतलब दोनों दिखने में सेम होते, लेकिन इसके रेशो क्या होते? अपोजिट होते, ठीक है। अब बात समझना सर, आपने ये तो बता दिया कि टिग्नोमेट्री फैमिली में कितने मेंबर होते हैं? 6, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। याद करने के लिए कैसे करोगे? साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। अब मैंने एक चीज लिखा रेशो, ठीक है। ये चीज रेशो पे डिपेंड करती है कि आपसे पूछेगा कि साइन रेशो क्या होता है, कॉस रेशो क्या होता है, टेन रेशो क्या होता है, या फिर आपसे पूछेगा कॉट रेशो क्या होता है, सेक रेशो क्या होता है, या फिर कॉसेक रेशो क्या होता है, ठीक है। तो इनके रेशो निकालने के लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। इनके रेशो निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये आपका क्या है?
ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, तब ये राइट एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक एंगल आपका कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। ठीक है, 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? 90 के सामने वाली भुजा होती है हाइपोटेनियस या फिर कर्ण। यदि आपका थीटा यहां पर है, यदि आपका थीटा यहां पर है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब या फिर परपेंडिकुलर। ठीक है, एक साइड बचा आपका, ये साइड क्या कहलाएगा आपका? आधार या फिर बेस। क्या कहलाएगा? आधार या फिर बेस। ठीक है, तो इनका एक एक रेशो होता है, इनका क्या होता है? एक एक रेशो होता है। तो इन रेशो को याद करने की एक ट्रिक होती है, इन रेशो को याद करने की ट्रिक होती है। क्या ट्रिक है समझना? पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, हर हर भोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। अब समझना, पंडित पी से मतलब हो गया परपेंडिकुलर, बी से मतलब हो गया बेस, और फिर पी से मतलब हो गया परपेंडिकुलर। हर हर भोले में एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, और बी का मतलब होता है बेस मतलब आधार। ठीक है, अब सर ये आपने क्या लिखा है समझना, ये मैंने क्या लिखा है, इसको यदि आप रेशियो में बदलोगे तो समझना P upon H, तो ये आपका कौन सा रेशो कहलाता है? ये आपका साइन रेशो कहलाता है। ठीक है, पी अपॉन एच मतलब लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, या इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, किसका रेशो कहलाता है? साइन रेशो। ठीक है, जैसे आपके घर में भी आपका कुछ पर्टिकुलर नाम होगा, तो सेम इसी तरीके से आपकी कुछ पर्टिकुलर पहचान होगी कि आप क्लास 10th में पढ़ते हो या आप क्लास 9th में पढ़ते हो, तो सेम इसी तरीके से इस साइन की पहचान कैसे करोगे? यदि आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस देके रखा है, तो इसका मतलब वो क्या देके रखा है? साइन रेशियो देके रखा है। सेम इसी तरीके से बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, ये किसका रेशियो है? ये कॉस का रेशियो है, ये कॉस का रेशियो। ठीक है, साइन का रेशियो पता चल गया पी अपॉन एच, कॉस का रेशो पता चल गया बी अपॉन एच, और ये जो लास्ट में रेशो दिख रहा है पी अपॉन बी मतलब लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये किसका रेशो होता है? टेन का रेशो होता है। ये किसका रेशो होता है? टेन का रेशो होता है। यहां तक फंडा क्लियर हुआ? अब मैंने क्या कहा था कि साइन का उल्टा जुड़वा भाई कौन है? कॉस, या साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस से। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस से। तो P अपॉन H होता है साइन थीटा, लेकिन H अपॉन P, H अपॉन P क्या होता है? कोसेक थीटा। H अपॉन P क्या होता है? कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। याद रह जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक। साइन थीटा होता है P अपॉन H, तो कोसेक थीटा क्या होगा? H अपॉन P। सिमिलरली कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है आपका? सेक थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी अपॉन एच, sec थीटा बराबर क्या होगा? h अपॉन b, h अपॉन b बराबर क्या होगा? cos थीटा, सॉरी sec थीटा। क्लियर हो गया था? फिर देखना tan का जुड़वा भाई कौन है? cot थीटा, मतलब tan किसका उल्टा होता है? cot का उल्टा होता है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि cot किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा होता है। तो tan थीटा बराबर आपने क्या डिसाइड करा? tan थीटा बराबर आपने डिसाइड करा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो cot थीटा इसका उल्टा होगा, तो cot थीटा बराबर क्या होगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलो इस रेशो को मैं यहां लिख देता हूं कि आपने क्या देखा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी अपॉन एच। साइन थीटा बराबर होता है पी अपॉन में एच। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी अपॉन में एच। कॉस थीटा बराबर होता है बी अपॉन में एच। टेन थीटा बराबर क्या होता है? पी अपॉन में बी। टेन थीटा बराबर होता है पी अपॉन में बी। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा को आप ऐसे लिखोगे, कोसेक थीटा बराबर होता है वन अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? वन अपॉन साइन थीटा। ठीक है, मतलब कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। ठीक है, अब साइन क्या देके रखा है? पी अपॉन एच, तो कोसेक क्या होगा? एच अपॉन पी। तो कोसेक थीटा बराबर होगा आपका एच अपॉन में P। cosec थीटा बराबर क्या होगा आपका? h अपॉन में p। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए आगे देखते हैं, sec थीटा की बात करते हैं। तो sec थीटा किसका उल्टा होता है? sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है।
ठीक है, तो सेक की जगह आप क्या लिख सकते हो, सेक की जगह लिख सकते हो वन अपॉन कॉस थीटा, सेक की जगह क्या लिख सकते हो वन अपॉन कॉस थीटा, या फिर कॉस की जगह क्या लिख सकते हो वन अपॉन सेक थीटा, दोनों बात तो एक ही, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है अपोजिट है। तो आपने अभी क्या डिसाइड करा, आपने देखा कि कॉस थीटा बराबर क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक थीटा इसका जस्ट उल्टा होगा, तो इसका जस्ट उल्टा मतलब हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, मतलब एच अपॉन में बी, एच अपॉन में बी, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते, टेन थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा के बीच में क्या रिलेशन होता है, कि कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वन अपॉन टेन थीटा, कितना लिखूंगा वन अपॉन टेन थीटा, ठीक है। अब टेन थीटा का उल्टा होता है, तो टेन थीटा बराबर क्या है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब पी अपॉन में बी, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा बी अपॉन में पी, बी अपॉन में पी का मतलब बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ठीक है। तो ये होता है आपके टिग्नोमेट्री रेशियो या टिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। इसे कहते हैं टिग्नोमेट्री रेशियो या टिग्नोमेट्री फंक्शन। इसका सिंपल याद करने का तरीका क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, जहां पर पहला रेशो आपको किसको रिप्रेजेंट करता है साइन थीटा को, दूसरा रेशो आपका कॉस थीटा को, तीसरा रेशो आपका टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, ठीक है। साइन थीटा बराबर होता है पी अपॉन एच, तो कोसेक थीटा क्या होगा एच अपॉन पी, कॉस थीटा बराबर होता है बी अपॉन में एच, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा एच अपॉन में बी, ठीक है। टेन थीटा बराबर होता है पी अपॉन में बी, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा बी अपॉन में पी, ठीक है। तो आप बस इतने से चीज को याद रखोगे तो आपको छह रेशो इजीली याद हो जाएंगे, आपको छह रेशो इजीली याद हो जाएंगे, क्लियर हो गया। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे देखते हैं। ओके, आगे देखिए, अगला टॉपिक है आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस स्टेटमेंट, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को आप एज इट इज याद करिए, क्या लिखा है देखिए, आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा। पाइथागोरस थ्योरम स्टेट दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, ठीक है, अदर टू साइड, ठीक है। तो ये पाइथागोरस स्टेटमेंट होता है, मेनली पाइथागोरस स्टेटमेंट का यूज आप इसलिए करते हो, ये पाइथागोरस स्टेटमेंट या पाइथागोरस थ्योरम के इस पे आता है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज आप किस लिए करते हो, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस, इन तीनों के बीच में यदि रिलेशन निकालना हो, इन तीनों के बीच में यदि आपको संबंध निकालना हो, तो आप किसका यूज करोगे, इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे, ठीक है। तो देखिए उसने स्टेटमेंट में क्या कहा, उसने स्टेटमेंट में कहा है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल मतलब सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट इज ए इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की खासियत क्या होती है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की खासियत ये होती है कि उसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है, दैट इज ए 90 डिग्री, उसका एक एंगल कितने डिग्री का होता है, दैट इज ए 90 डिग्री का होता है, पता है। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, दैट इज ए हाइपोटेनियस, या इसे हिंदी में क्या कहते हैं आप कर्ण, इसे हिंदी में क्या कहते हैं आप कर्ण, ठीक है। एक होता है हाइपोटेनियस, यह होता है कर्ण, ठीक है। यदि आपका थीटा यहां पर है, यदि आपका थीटा यहां पर है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, दैट इज ए परपेंडिकुलर, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं इसको लंब, हिंदी में क्या कहते हैं इसको लंब, ठीक है। एक रिमेनिंग साइड बची, इस रिमेनिंग साइड को आप क्या कहते हो आधार, हिंदी मीडियम में क्या बोलोगे इसको आधार, या इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं इसको बेस, ठीक है, क्या कहोगे इसको आधार या फिर बेस, क्लियर हो गया। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम करते जा रहे हैं, उसके स्टेटमेंट में क्या बोला था, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। हमको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में तीन चीजें होती है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, दैट इज ए बेस, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कहा कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखिए कर्ण का
वर्ग, ठीक है, इट इज ए हाइपोटेनियस का स्क्वायर. हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू साइड. मतलब हाइपोटेनियस का वर्ग, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा? कर्ण का वर्ग अदर दोनों भुजा, अदर टू साइड लिखा है ना, तो अदर दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा. अदर दोनों भुजा मतलब बचे हुए दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा. तो बचा हुआ दोनों भुजा कौन सी है? एक है लंब और एक है आधार. तो ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर. ठीक है, फिर से बता रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम आपका यह कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, हिंदी मीडियम वाले लिखना हो तो लिखिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है. ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलोगे? द हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर प्लस, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. और यही क्या होता है आपका यही क्या होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम. ये क्या होता है आपका पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, इसके शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, जहां एच क्या है आपका हाइपोटेनियस, पी क्या है आपका परपेंडिकुलर, और बी क्या है आपका बेस. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था, या क्या कहा था कि पाइथागोरस क्या करता है, पाइथागोरस तीनों साइड के बीच में एक रिलेशन डेवलप करके देता है. ठीक है, तीनों भुजाओं के बीच में एक संबंध बना के देता है. ठीक है, तो उसे आप क्या कहते हो? पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम ओनली किस पे अप्लाई होगी? इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल. इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं कि अब आपके एक्सरसाइज में इस पर क्वेश्चन कैसे आया. ठीक है, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं कि एक्सरसाइज में किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं. देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं हम. क्वेश्चन दिख रहा है आपको? ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ ट्रायंगल एबीसी क्या बोल रहा है सुनना, पढ़िए उस क्वेश्चन को क्या लिखा है. इन अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ए, राइट एंगल किस पर है? बी पर है. राइट एंगल एट अ बी, ए बी बराबर आपको देके रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर देके रखा है आपको 7 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा है कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू क्या होगी. दूसरा आपसे पूछा है कि साइन सी और कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए. ठीक है, तो आप इसके प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइए. ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा. ठीक, कैसे करेंगे समझना. उसने बोला कि एक एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल किस पर है? बी पर है. तो सबसे पहले आप इसका डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे आप इसका डायग्राम बनाएंगे. कैसे? ये एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया. ठीक है, अब राइट एंगल किस पर है? राइट एंगल आपका बी पर है. तो ये है आपका राइट एंगल. ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा? बी, दैट इज ए और ये सी. ए बी सी एक राइट एंगल है, जो किस पर राइट एंगल है? बी पर. राइट एंगल बी का मतलब बी पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ, उसके कहने का मतलब ये है. यहां तक फंडा क्लियर हुआ? उसके बाद आपसे बोला कि ए बी आपको कितना देके रखा है उसने? ए बी आपको 24 सेंटीमीटर. AB की वैल्यू आपको कितना देकर रखा है? 24 सेंटीमीटर. ठीक है, AB की वैल्यू आपको 24 देकर रखा है. उसके बाद आपको किसकी वैल्यू देकर रखा है? BC की वैल्यू आपको कितना देकर रखा है? 7. BC की वैल्यू आपको देकर रखा है 7. ठीक है, अब आपसे पूछा है
कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू, पहला क्वेश्चन है आपका, और दूसरा क्वेश्चन है आपका साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालें, ठीक है। तो बड़े सिंपल तरीके से कैसे करेंगे, देखिए आपको ए बी पता है, आपको बी सी पता है, आपको ए सी पता है क्या? नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले कभी भी किसी का भी रेशियो निकालना हो तो इन तीनों साइड की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, इन तीनों साइड की वैल्यू आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो तीनों साइड की वैल्यू कैसे पता करोगे, समझो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि पाइथागोरस आपका एक ऐसा थ्योरम है जो तीनों साइड के बीच में रिलेशन डेवलप करके देता है। समझो कैसे, क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनियस आपका कितना है, तो मैंने बोला 90 के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस होती है, तो ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, मतलब एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, पहला वाला क्वेश्चन है आपका साइन ए, एंगल यदि ए माना तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, ये क्या हो जाएगा आपका लंब, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आधार, ठीक है। और 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या रहेगी, कर्ण, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, तो कर्ण का वर्ग आपको एसी की वैल्यू निकालना है, उसके बाद क्या है लंब का वर्ग, तो लंब कितना देकर रखा है 7 का स्क्वायर प्लस B मतलब आधार, आधार कितना आपका 24, तो 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, यहां तक क्लियर हो गया फंडा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं सिंपल, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, मतलब 7 का दो बार गुणा करना है आपको, ठीक है। 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 24 into 24, 4 4 is 16, that is 1, 4 2 is 8 and is 9, 224 into कितना होता है, that is a 48, ये आपका कितना आ गया 6, 8 8 16 का, 16 17 का 7 जिला 1, that is a 576, ठीक है, कितना आ गया 576, 24 का स्क्वायर कितना आ गया 576, 576 में आपको कितना ऐड करना है, 49 ऐड करना है, इसमें आप 49 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 15 का 5 11 12 का 2 जिला 1 6, ये कितना आ गया, दैट इज 625, ठीक है। यहां पर क्या चल रहा है आपका AC का स्क्वायर, ठीक है, यहां पर क्या चल रहा है आपका AC का स्क्वायर, अब AC का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 625, अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, ये जो स्क्वायर है बराबर के उधर जाता है तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, तो इसके ऊपर यदि रूट डाल दोगे तो 625 का रूट। अब रूट कैसे निकालते, तो देखिए रूट कैसे निकालते, इस तरीके से आप रूट निकालोगे, ठीक है, 625, सबसे पहले आप 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है, दैट इज 5 1 5 1 2 5 2 10, दैट इज 2 5 5 25, फिर आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 5 25, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, कब तक डिवाइड करना, जब तक नीचे क्या नहीं आ जाए 1 नहीं आ जाए तब तक आपको इससे डिवाइड करना है, तो ठीक है। तो इस 625 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 5 into 5 into 5 into 5 5 into 5 into 5 into 5, क्लियर हो गया यहां तक। अब देखिए अब इस रूट में क्या होता है, इस रूट में जिसका पेयर बन जाता है वो रूट के बाहर आ जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा इस रूट के अंदर जिसका पेयर बन जाता है वो रूट के बाहर बन जाता है, पेयर मतलब जोड़े, जिसके जोड़े बन जाते हैं उसके बाहर आ जाते हैं। देखिए आप यहाँ 5 5 का एक जोड़ा बन गया, यहाँ पर भी 5 5 का एक जोड़ा बन गया, तो ये दोनों आपस में बाहर आ जाएंगे, ये दोनों बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इधर रफ करके इसको लिख के दिखाता हूँ, यहां इसके जोड़े बाहर आ गए तो AC बराबर कितना आ जाएगा, एक 5 का जोड़ा बाहर आया, यहां से दूसरे 5 का जोड़ा बाहर आया, तो 5 और 5 कितना होगा, 5 into 5 that is a 25, ठीक है, 5 into 5 कितना होगा, that is a 25, ठीक है। तो आपकी AC की वैल्यू कितनी आ गई, 25, AC की वैल्यू कितनी आ गई, 25, यहां तक फंडा क्लियर हुआ।
ठीक है, हमको दो चीजें देके रखी थी, हमने तीसरी साइड निकाल ली, किसके हेल्प से निकाला, पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे निकाला। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। इतना लिख लिया, रफ करते हैं इसको, देखिए आगे। अब आपसे पूछा उसने साइन ए, पहला क्वेश्चन आपका पूछा उसने कि साइन ए, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा कॉस ए। ठीक है, ए का मतलब, ठीक है, वो एंगल ए की बात कर रहा है, जैसे ए बी सी ए, तो ए का मतलब ये ए, ये वाले एंगल की बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रेशियो पता होना चाहिए कि साइन रेशियो, तो मैंने आपको पूछा था कि आपसे बोलेगा वो साइन रेशियो निकालो, कॉस रेशियो निकालो, तो सिमिलरली साइन रेशियो कॉस रेशियो पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ट्रिक फटाफट याद होनी चाहिए कि पंडित बद्री प्रसाद और क्या होता है, हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, तो ये क्या है आपका साइन रेशो, ये क्या है आपका कॉस रेशो। ठीक है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे, चलो दो मिनट दो मिनट। ठीक है, ट्रिक क्या बोलता है, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। ठीक है, ये पहला रेशो आपका काय का होता है, साइन रेशो, सेकेंड रेशो आपको काय का होता है, कॉस रेशो, थर्ड रेशो आपको काय का होता है, दैट इज द टेन रेशो। ठीक है, तो फर्स्ट में देखो कि साइन रेशो बराबर क्या होता है, पी अपॉन एच। ठीक है, साइन रेशो बराबर होता है आपका पी अपॉन में एच। ठीक है, सिमिलरली कॉस रेशो बराबर क्या होता है, बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच। ठीक है, अब एक ही बात करना, सुना, अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा, इसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका P क्या होगा, H क्या होगा और B क्या होगा, P क्या होगा, H क्या होगा और B क्या होगा। तो सबसे पहले ये वाले एंगल A की बात कर रहे हैं, तो हमेशा 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनियस होगा, 90 के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस। अब वो एंगल कौन सी बात कर रहा है, A, तो A वाला एंगल ये रहा, तो A एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, आपकी लंब होती है। ठीक, तो एंगल ए ये रहा, एंगल ए के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब है, तो ये आपका लंब हो गया, तो जो बचा वो क्या होगा, आपका आधार या बेस, वो क्या होगा आपका आधार या बेस। ठीक है, तो अब आपके पास कर्ण मिल गया, लंब मिल गया और आधार मिल गया। ठीक है, तो लंब कितना है आपका, लंब कितना है आपका 7 और आधार कितना है आपका, सॉरी हाइपोटेनस कितना है आपका 25। ठीक है, तो पहले का आंसर हो गया 7/25, पहले का आंसर कितना हो गया 7/25। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है आपका 24, आधार कितना है आपका 24 और बेस कितना है, हाइपोटेनस कितना है आपका 25, हाइपोटेनस कितना है आपका 25। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया, क्लियर हो गया यहां तक। ठीक, इतना नोट करिए आप। इसके बाद हम देखते हैं साइन सी और कॉस सी की वैल्यू कैसे निकालो। जैसे सेकंड क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज था, फर्स्ट का सेकंड वाला देखिए क्या पूछा, फर्स्ट के सेकंड वाले में पूछा है आपसे साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी पूछा। ठीक है, अब इस केस में ये परपेंडिकुलर और ये बेस की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि अब आपका एंगल कौन सा है, अब आपका एंगल है सी, अब आपका एंगल कौन सा है सी, तो एंगल थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, तो इस केस में आपका परपेंडिकुलर या लंब ये वाली साइड होगी। बात समझ में आ रहा है, उस केस में एंगल ए की बात करी थी तो ए के सामने वाली भुजा को लंब लिया था, लेकिन इस केस में वो कौन से एंगल की बात कर रहा है, एंगल सी की बात कर रहा है, तो इसलिए आपका एंगल सी ये रहा, एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये जो बचा हुआ साइड है वो आपका क्या होगा, आधार या फिर बेस, क्या होगा आधार या फिर बेस। फटाफट आप बोल दोगे सर साइन थीटा साइन सी बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, cos c बराबर होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर इज 24, तो 24
हाइपोटेनस कितना है 25, दैट इज द 25, इट इज द आंसर. साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई 24 अपॉन में 25. साइन सी की बात करें तो साइन सी बराबर देखना बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस कितना है आपका 7 और हाइपोटेनस कितना है आपका 25, तो दैट इज द आंसर. 7/25 इज द वैल्यू ऑफ द cos c, इज द वैल्यू ऑफ द cos c. यहां तक फंडा क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अभी. चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए उसको एक बार, क्या बोल रहा हूं. क्वेश्चन बोल रहा है इन दिस फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p माइनस cot r. 10p और cot r की वैल्यू पूछ रहा है. ठीक है, फिगर आपको दे के रखा है तो मैं फिगर आपके लिए फिर से बना देता हूं. ठीक है, ये फिगर दे के रखा आपको, यहां पर आपको दे के रखा p, यहां पर आपको दे के रखा q, यहां पर दे के रखा आपको r. ठीक है, इसकी वैल्यू है 12, इसकी वैल्यू है 13. ठीक है, और आपसे पूछा है इसने टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू. टेन पी अच्छे से लिख देता हूं मैं, टेन पी माइनस कॉट आर की वैल्यू. क्लियर है? तो मैंने क्या कहा था, कभी भी किसी भी रेशो को निकालना तो सबसे पहले तीनों साइड आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तीनों साइड आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाली साइड निकाल लेते. ठीक है, तो एक बार आप ट्राई करो, उसके बाद मैं बताता हूं आपको ये साइड कैसे निकालोगे. पाइथागोरस से निकालोगे क्योंकि पाइथागोरस एक ऐसा प्रमेय है जो तीनों साइड के बीच में क्या है, एक रिलेशन डेवलप करके देता है, एक संबंध डेवलप करके देता है. ठीक है, तो देखिए इस साइड के यदि वैल्यू निकालना, इस साइड की वैल्यू कैसे निकालोगे? आपको पता है कि पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ठीक है, इन दोनों में से किसी को भी थीटा मान लो, अभी इन दोनों में से किसी को भी थीटा मान लो. मैंने माना कि आर वाला मेरा थीटा है, आर वाला मेरा क्या है, थीटा है. तो थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस, और बचा हुआ क्या है आपका बेस. मतलब आपको टोटल मिला के किसकी वैल्यू निकालना है, बेस की वैल्यू निकालना है. इसमें रख दीजिए वैल्यू, सबसे पहले हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना दे के रखा है 13, ये हो गया 13 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना दे के रखा है 12, मतलब ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर. ठीक है, प्लस बेस आपको निकालना है. ठीक है, 13 का स्क्वायर मतलब 169. ठीक है, 13 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 169, इसका स्क्वायर करोगे तो 144 प्लस बेस का स्क्वायर इस तरह से. ठीक है, 144, 144 को बराबर किधर लाओगे तो 169 से माइनस हो जाएगा, तो दैट इज 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर. ठीक है, अब 169 में से 144 गए तो 9 में से 4 गए तो 5 2 25, दैट इज बराबर क्या चल रहा है, ये बेस का स्क्वायर चल रहा है. ये स्क्वायर जब इस बराबर के उधर ले जाओगे तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, इस स्क्वायर को जब बराबर के इधर लेके जाओगे तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा. दैट इज मैं इधर लिख रहा हूं b बराबर अंडर रूट 25, b बराबर अंडर रूट 25. ठीक है, b बराबर आप इस 25 को क्या लिख सकते हो, 5 * 5 इसके फैक्टर कर लो, आप इसके फैक्टर कर लो कितना आएगा 5 * 5. तो मैंने कहा था कि रूट के अंदर किसी का भी जोड़ा बन जाए या पेयर बन जाए वो रूट के बाहर आ जाता है. तो आप देख सकते हो कि 5-5 का पेयर बन गया, ये पेयर क्या होगा, बाहर आ जाएगा. मतलब बेस की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, बेस की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर. ठीक है, इस बेस की जगह मैं लिख देता हूं 5 सेंटीमीटर.
ठीक है, तो आपको हाइपोटेनस मिल गया, तीनों साइड की वैल्यू मिल गई, हाइपोटेनस की बात नहीं कर रहा हूं, आपको तीनों साइड की वैल्यू मिल गई। जब तीनों साइड की वैल्यू मिल गई तो आप रेशो आसानी से निकाल सकते, तो आप रेशो आसानी से निकाल सकते। अब आते क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्या बोला उसने, उसने क्वेश्चन बोला कि टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी माइनस कॉट आर की आपको वैल्यू बताना। तो सबसे पहले एंगल पी बोला, तो पी वाले एंगल को कंसिडर करते हैं, ठीक है, P वाले एंगल को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ये वाले एंगल हमने कंसीडर करा, क्यों करा, क्योंकि वहां उसने कौन से एंगल की बात करी थी, tan P, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि tan थीटा और cot थीटा बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं रूल लिख देता हूं, आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले, हर हर भोले, तो ये लास्ट वाला रेशियो किसका रहता है, tan का रेशियो रहता है, और tan का उल्टा क्या होता है आपका cot, टेन का उल्टा क्या होता है आपका कॉट, ये जो लास्ट वाला रेशो है काय का रेशो होता है आपका टेन का रेशो होता है, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। तो टेन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस माइनस बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, क्योंकि ये इसका जस्ट उल्टा होता है, ये इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। अब सबसे पहले टेन का रेशो लिखते हैं, तो टेन के रेशो लिखने से पहले सबसे पहले एंगल देखना, हमेशा किसी भी रेशो लिखो तो सबसे पहले उसका क्या देखो, एंगल देखो। तो इसमें एंगल कितना है P, इसमें एंगल कितना है P, तो मैंने P वाला एंगल कंसीडर करा, तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, हाइपोटेनियस या फिर कर्ण, और बचा हुआ क्या होगा आपका आधार, बचा हुआ क्या होगा आपका आधार, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या देके रखा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 5 और आधार कितना है आपका 12, लंब कितना है 5 और आधार कितना 12। अब आप गलती से भी यहां पर इसकी वैल्यू मत रख देना, cot r के जगह बेस के जगह 12 और परपेंडिकुलर के जगह 2 मत रख देना, क्यों, क्योंकि यहां पर इसने क्या बोला cot r और यहां पर एंगल क्या था p और यहां पर एंगल क्या है आ, तो मतलब अब आपको एंगल चेंज करोगे तो आपका परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, अब यदि एंगल चेंज करोगे तो आपका परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले आपने कौन सा एंगल कंसीडर करा था पी, अब आपको कौन सा एंगल कंसीडर करना है आर। तो जैसे आप आर वाला एंगल कंसीडर करोगे ये वाला, तो उस केस में आपका लंब ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका आधार, ये क्या हो जाएगा आपका आधार, और 90 के सामने वाली भुजा तो हमेशा कर्ण होती है, 90 के सामने वाली भुजा तो हमेशा क्या होती है कर्ण होती है, ठीक है। तो अब आपका क्या है cot r बराबर होता है b अपॉन में p, तो b कितना देके रखा है, मतलब आधार कितना देके रखा है 5, ठीक है, और लंब कितना देके रखा है 12, ठीक है, लंब कितना देके रखा है 12, तो 5 बटे 12 से 5 बटे 12 गए तो कितना बचा, दैट इज ए 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 0, इसका आंसर कितना आएगा 0। आया समझ में इस क्वेश्चन को कैसे करा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको जो चीजें समझ में नहीं आई उसको मुझे बाय कमेंट करके आप बताइए, ठीक है, तो मैं आपको इसका बाय सॉल्यूशन बता दूंगा कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, ठीक है। तो जब तक आप इसको रिवाइज करिए, इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है, थैंक यू सो मच, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए, ओके।